नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं वो बिल्कुल मिथ्या है। असली दृश्य दूसरा है जो भयावह है। कश्मीर के मामले में आप किसी टीवी चैनल पे जब वहाँ के विजुअल आते हैं तो सड़कें सूनी दिखती हैं, कोई व्यक्ति घर से निकलने को तैयार नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, गृहमंत्री भी यही बोलते हैं। और उधर जो राज्यपाल हैं श्रीमान जी 1008, राज्यपाल महोदय कहते हैं कि मैं राहुल जी आपके लिए प्लेन भेज देता हूँ। अरे जब वो आ गए उन्हें सड़कों पे कार से तो घूम लेने दो भैया, दुनिया और देश और दुनिया को देखने तो दो क्या हो रहा है। वो वहाँ जाके अमर और शांति की पैगाम देंगे राहुल गांधी और उनकी टीम, वहाँ कोई विध्वंस फैलाने तो जा नहीं रहे। तो देखना चाहते हैं कि हमारे देश का वो हिस्सा इस घटना के बाद कैसा है, जहाँ सरकार दावे कर रही है कि बड़ा अमन चैन है, खूब शांति है, खूब आनंद दे रहे हैं लोग, तो दुनिया देखे। ये थी भावना उसकी। चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र में कोई सा भी निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि बिल्कुल बहुमत की सरकार है। लेकिन अलोकतांत्रिक तरीके से संविधान के विपरीत जाके यदि आप कोई निर्णय लेते हो वो निश्चित रूप से निंदनीय है और लंबे समय तक चलने वाला नहीं संविधान के होता विपरीत है। कहाँ, क्या मैं संविधान के वही विपरीत क्या आपको है? बता रहा हूँ कि जब कोई संविधान संशोधन आता है लोकसभा में उस पर डिबेट होती है, लोकसभा में प्रस्तुत होता है, डिबेट होने के बाद जब पास होता है तो राज्यसभा में वही डिबेट होती है, और डिबेट होने के बाद जब पास होता है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है। अंतिम सीढ़ी है राजपत्र का प्रकाशन। दुर्भाग्य है कि लोकसभा में कोई डिबेट नहीं हुई, राज्यसभा में सीधे प्रस्तुत हुआ। डिबेट चल रही है उधर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, राजपत्र का प्रकाशन होकर सड़क पे आ जाता है राजपत्र, उधर डिबेट ही चल रही है। Thank you.